नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को कानून व्यवस्था को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा बैठक की। इस दौरान सीएम योगी ने अफसरों को सख्त निर्देश दिए हैं। बैठक में मंडलायुक्त, पुलिस आयुक्त, एडीजी जोन, आईजी, डीआईजी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बैठक ली है। इस बैठक में तमाम जो अधिकारी हैं वो मौजूद रहे। केशव प्रसाद मौर्य यहां पर मौजूद नजर आए हैं। इसके अलावा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा बैठक की गई थी। अफसरों को सख्त निर्देश यहां पर दिए गए हैं योगी आदित्यनाथ द्वारा। इस बैठक में मंडलायुक्त, पुलिस आयुक्त, एडीजी जोन, आईजी, डीआईजी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए हैं। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए मेरे सहयोगी शुभम मेरे साथ जुड़ गए हैं। शुभम, योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ी बैठक की है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक हुई, क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं और ये बैठक किस लिए रखी गई थी? जिस तरीके से कहा जा सकता है कि कोविड के जिस तरीके से अब मामलों में कहीं ना कहीं इजाफा होना शुरू हो गया है, और जब मामलों में इजाफा होना शुरू हो गया है तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एक कार्यशैली रही है। जैसे ही अगर हम बात करते हैं वैक्सीनेशन पर, तो वैक्सीनेशन पर भी उन्होंने लगातार जो है नजर बनाए रखी, लगातार उन्होंने निगरानी की, और लगातार वो तो कई अस्पतालों में पहुंच करके उन्होंने वहां का हालचाल जाना। उसके बावजूद तो अगर हम अधिकारियों के साथ, डॉक्टरों के साथ बैठक की बात करते हैं तो सभी को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि सभी जो अपने जो जिले हैं, जो जो वहाँ के जो जो वहाँ के जो कोविड प्रोटोकॉल के जो नियम हैं उनको फॉलो कराएं। और अगर हम लखनऊ के अगर हम बात करते हैं एनसीआर की, तो लखनऊ के साथ गौतम बुद्ध नगर और हापुड़ वगैरह जो आते हैं, इन सभी जिलों में सख्त निर्देश दिया गया है कि सभी लोग जो है, जो भी मार्केट में जो लोग निकलेंगे, जो अधिकारी हैं, जो आप जो सरकारी कर्मचारी, सभी को एक तरीके से मास्क कंपलसरी कर दिया गया है। और इस तरीके से कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर जो है कोरोना को मात देने के लिए कमर कसी हुई है। पूरी तरीके से निगरानी और अहम बैठकें शुरू हो गई हैं, लगातार डॉक्टरों के जरिए और लगातार जो निगरानी है उसके जरिए कहा जा सकता है कि एक तरीके से पूरा एक रूट मैप तैयार किया गया है कि इस बार जो मामले हैं उनमें इजाफा ना हो सके और किसी भी तरह की उनकी प्रदेश की जनता है उनको किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत ना हो, जिसकी वजह से जो उनका एजेंडा है कि जो प्रदेश जो है स्वस्थ रहेगा तो विकास के जो पथ है उस पर आगे बढ़ेगा। ठीक है शुभम, शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने बैठक ली। इस बैठक में तमाम मंडलायुक्त, तमाम अधिकारी शामिल हुए हैं और उन्हें दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देश और राज्य के विभिन्न हिस्सों में सामने आ चुकी सामुदायिक टकराव की घटनाओं को देखते हुए पुलिस प्रशासन को सतर्क कर दिया है। राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सीएम योगी प्रदेश भर के पुलिस प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हुए नजर आए। इस दौरान उन्होंने कहा कि 3 मई को अक्षय तृतीया और ईद पर्व एक ही दिन मनाया जाना संभावित है। इससे शांति व्यवस्था को चाक चौबंद बनाए रखने के लिए प्रदेश के सभी मंडलायुक्त, जिलाधिकारी से लेकर एसएसपी, सीओ और थानाध्यक्ष के अवकाश 4 मई तक के लिए तत्काल निरस्त करते हुए अगले 24 घंटे में तैनाती स्थल पर पहुंचने का निर्देश यहां पर दिया गया है। बिजनौर के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर धर्मवीर सिंह के निर्देशन में अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में नगीना देहात पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। वहीं पुलिस ने 15,000 रुपए के नामी बदमाश आदिल को गिरफ्तार कर लिया। वहीं आदिल लंबे समय से फरार चल रहा था, जिसको पुलिस ने गिरफ्तार किया है। लखनऊ में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की प्रदेश स्तरीय बैठक हुई। बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर और मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। बैठक में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा हुई। पौड़ी जिले में आजादी के अमृत महोत्सव में आयोजित स्वास्थ्य मेला पौड़ी के नगर पालिका बारात घर में धूमधाम के साथ मनाया गया। स्वास्थ्य मेले का विधिवत शुभारंभ पौड़ी विधायक राजकुमार पौड़ी ने किया।
विधायक ने स्वास्थ्य विभाग के सभी स्टॉलों का निरीक्षण किया, साथ ही विधायक ने स्वास्थ्य विभाग के फिटनेस का एक पुस्तक का विमोचन किया। पहले जिन लोगों के द्वारा ये स्वास्थ्य शिविर का जो आयोजन किया गया उसको उनको पहले बहुत बहुत बधाइयाँ देती हूँ, और सबसे पहले बधाइयाँ उन लोगों उन कर्मचारियों को मैं बधाई देती हूँ जो इसमें सहयोग प्रदान कर रहे हैं। तमाम विभाग को मैं बधाइयाँ देती हूँ और सभी लोग उनसे लाभान्वित हो रहे हैं। अपना हर अलग अलग यहाँ पे जो शिविर लगे हुए हैं, अलग अलग जो अपना स्वास्थ्य दिखा रहे हैं, आयुर्वेदिक का भी लगा हुआ है, होम्योपैथिक का लगा हुआ है, एलोपैथिक सभी डॉक्टर यहाँ पे कर रहे हैं बहुत अच्छी तरह से, लोगों को लाभ हो रहा है। तारीख से 22 तारीख के बीच में सभी जनपद स्तरीय स्वास्थ्य मेला का आयोजन किया जा रहा है। स्वास्थ्य मेले में सभी बीमारियों का इलाज का जांच किया जाएगा, साथ में आंखों का जांच हो सकती है, शुगर बीपी की जाँच हो सकती है, और साथ साथ में अन्य जो स्पेशलिस्ट होंगे वो भी इस ब्लॉक स्तरीय स्वास्थ्य मेले में उपस्थित रहेंगे, और संबंधित जो हमारे क्षेत्र के विधायकगण हैं, मंत्रीगण हैं, इनकी उपस्थिति में इसका शुभारंभ भी किया जा रहा है। तो ये इस समय जो है अमृत महोत्सव के अवसर पर यहाँ पर जो शिविर आयोजित किया गया है, इसमें मंशा साफ है कि सरकार की जो योजनाएं हैं, स्वास्थ्य संबंधी योजनाएं हैं, आम जनमानस तक उसकी जानकारी हो, इसलिए इस तरह के शिविर आयोजित किए गए हैं। और जिले में शिव महोत्सव के माध्यम से तीनों रुद्रप्रयाग के जंगल इन दिनों भीषण आग की चपेट में है। जगह जगह जंगल आग से धधक रहे हैं। वन विभाग की आग को बुझाने में असफल साबित हो रहा है। पिछले कई दिनों से जंगल जल रहे हैं। जंगलों में लगी आग के कारण आसमान में भी चारों ओर घना अंधेरा छाया हुआ है। रुद्रप्रयाग वन प्रभाग के अंतर्गत खाखरा और दुर्गाधार के जंगल आग की चपेट में। आग की लहरें धीरे धीरे संपूर्ण जंगलों को अपनी आग चपेट में ले रही हैं। वन विभाग भी आग को नहीं बुझा पा रहा। आग के कारण आसमान में चारों ओर धुंध ही धुंध है। वहीं जंगलों में रहने वाले वन विभाग को इसका जिम्मेदार बता रहे हैं। छह मई से विश्व विख्यात केदारनाथ धाम की यात्रा आम भक्तों के लिए शुरू हो जाएगी। इन दिनों जोर शोर से यात्रा की तैयारियां चल रही हैं, लेकिन धाम में हो रही बर्फबारी की वजह से यात्रा तैयारियों को पूरा करने में परेशानियां भी हो रही हैं। इसके अलावा धाम में चल रहे द्वितीय चरण के पुनर्निर्माण कार्य भी बर्फबारी के कारण बाधित हो रहे हैं। केदारनाथ धाम में व्यवस्थाओं को सुचारू करने के लिए प्रशासन की टीमें पहुंच चुकी हैं, लेकिन बर्फबारी के कारण व्यवस्थाएं समय पर नहीं जुट पा रही। बागपत में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई है। मुठभेड़ में 25,000 का नामी बदमाश पैर में गोली लगने से घायल हो गया। मुठभेड़ के दौरान एक कांस्टेबल भी घायल हो गया है, जिसके बाद घायलों को CSC बड़ौत में उपचार के लिए भेजा गया। ये आज थाना क्षेत्र बड़ौत में अभी बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई है। हमारी बड़ौत पुलिस को सूचना थी कि दो मोटरसाइकिल से चार बदमाश है जो कि यहाँ पर घूम रहे हैं, और चेकिंग के दौरान उनको रोकने का प्रयास किया गया और ये लोहारी रोड की तरफ ही बदमाश भागे। इनको पीछा किया गया, इन्होंने फायरिंग की पुलिस के ऊपर। पुलिस के द्वारा जवाबी फायरिंग में एक बदमाश घायल हुआ है, बाकी तीन भाग गए जिनकी गिरफ्तारी के लिए हम लोग कॉम्बिंग कर रहे हैं। घायल बदमाश की जो पहचान हुई बुध प्रकाश के रूप में हुई है। बुध प्रकाश एक शातिर अभियुक्त है, जिसके ऊपर आधा दर्जन से अधिक मुकदमे कायम हैं। अभी पिछले 28 तारीख को लोहारी गांव में एक मर्डर हुआ था जितेंद्र नाम के व्यक्ति का, जिसमें फरार चल रहा था। इसके ऊपर 25,000 रुपये का इनाम घोषित है। अन्य अभियुक्तों की तलाश जारी है। शीघ्र ही अन्य गिरफ्तार कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित कराई जाएगी। इसके पास से असलहा अवैध जो तमंचा पुलिस को बरामद हुआ, ये मोटरसाइकिल बरामद हुई है। अन्य अभियुक्तों के बारे में और अन्य जो असलहे उनके बारे में हम लोग प्रयास कर रहे हैं। फतेहपुर जिले के हदगांव थाना क्षेत्र के ग्राम कशराव में चल रहे अंबल बाबा के मेले में आयोजित नौटंकी को देखने जा रहे 23 वर्षीय युवक सुशील कुमार की एक अज्ञात बाइक से जोरदार टक्कर हो गई, जिससे बाइक पर सवार सुशील कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए। पलिया गांव के लोगों ने घायल को किसी तरह से एम्बुलेंस के द्वारा CHC में भर्ती कराया, जहाँ वो जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। वहीं थाना अध्यक्ष अश्विनी सिंह का कहना है कि दूसरे बाइक सवार आरोपी टक्कर मारकर भागने में सफल रहे, जिनकी तलाश की जा रही है। हमारे लड़कों का एक्सीडेंट हुआ, हमको नहीं मालूम रहा। जब पुलिस वाले गए तब जानकारी भी
और हमारा लड़का ख़त्म हो गया गांव वाला उदयपुर। नाम क्या है बच्चे का? सुशील कुमार। आपका? राजा राम। बच्चे की उम्र कितनी है? 22 साल। हमीरपुर में बच्चों के विवाद को लेकर महिला से मारपीट का मामला सामने आया, जहां महिला ने मोहल्ले के एक व्यक्ति पर मारपीट का गंभीर आरोप लगाया। वही मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बांसखेड़ा इंटर कॉलेज में पहुंचकर बहर पेपर मिल्स द्वारा काशीपुर के विभिन्न राजकीय विद्यालयों में कराए गए कार्यों का लोकार्पण किया। इस दौरान उनके साथ चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत, पूर्व गन्ना मंत्री सुरेश राणा, रुद्रप्रयाग विधायक शिव अरोरा, काशीपुर विधायक त्रिलोक सिंह चीमा, चंपावत विधायक कैलाश चंद गहतौड़ी भी मौजूद रहे। एक अच्छी पहल है, अच्छी शुरुआत है और ऐसे जितने भी लोग आगे आ रहे हैं सभी को लोगों का हम धन्यवाद करते हैं कि वो आकर अच्छे काम के लिए आगे बढ़ रहे हैं। आएंगे उन सभी का हम मदद करेंगे। और सर एक कानून की बात कर रहे थे आपने, चंपावत का सस्पेंस खराब खत्म हो गया क्या है? अभी इंतजार करिए सर। मथुरा में पेंशन के लिए राजीव भवन के चक्कर काट काट कर दिव्यांग महिला परेशान है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। वही दिव्यांग महिला का कहना है कि हम कई दिनों से राजभवन के चक्कर काट रहे हैं, पर हमसे कोई अधिकारी बात करने को तैयार नहीं। हम अपनी पेंशन को लेकर कई बार राजीव भवन आ चुके हैं, पर कोई अधिकारी सुनने को तैयार नहीं होता। प्रतापगढ़ में भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर सुंदरकांड के बाद आरती और शंखनाद के जयकारे के बीच भक्तिभाव का रसपान करते सदर विधायक राजेंद्र मौर्य, भाजपा के जिलाध्यक्ष हरिओम मिश्रा, भाजपा किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष विजय कुमार मिश्र, ओम प्रकाश त्रिपाठी के अतिरिक्त भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी तमाम महिलाएं भी कार्यालय पर चल रहे सुंदरकांड और आरती में शामिल होने के लिए पहुंची। विश्व प्रसिद्ध उत्तराखंड की चारधाम यात्रा को सुरक्षित और व्यवस्थित तरीके से संपन्न कराने के लिए प्रशासन एक के बाद एक सुविधाएं बढ़ाने में लगा है। इसी कड़ी में चारधाम यात्रा मार्ग पर जाने के लिए जारी होने वाले ग्रीन कार्ड बनने भी एआरटीओ कार्यालय में शुरू हो गए हैं। वहीं पहले दिन 2 टैक्सी चालकों ने ऑनलाइन अप्लाई कर ग्रीन कार्ड बनवा लिए। छोटी गाड़ी के लिए ग्रीन कार्ड जारी करने का शुल्क 400 रुपये है और बड़े वाहन के लिए 600 रुपये। आरटीओ की ओर से ये निर्धारित किया गया है। आज से हमारे कार्यालय से ग्रीन कार्ड जारी किए जा रहे हैं। इसमें जो है जो भी आवेदक हैं, जो भी चारधाम यात्रा पर जाने वाले वाहन स्वामी हैं, वो ऑनलाइन इसका आवेदन करेंगे। ऑनलाइन उनकी फ़ीस कटेगी। छोटी गाड़ियों के लिए 400 फीस है और बड़े वाहनों के लिए 600 है। वो भी ऑनलाइन ही उसकी व्यवस्था है। उसके बाद वो अपनी गाड़ी इंस्पेक्शन कराने आरटीओ ऑफिस संबंधित जिस भी कार्यालय में वो जाना चाहें उस कार्यालय में ले आएंगे और वहाँ आरआई द्वारा उसका इंस्पेक्शन किया जाएगा। इंस्पेक्शन करने के बाद ग्रीन कार्ड इशू कर दिए जाएंगे। तो चारधाम यात्रा को लेकर सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं लगातार, एक के बाद एक प्रशासन तमाम तैयारियां कर रहा है ताकि यात्रा सुगम हो, श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। इसी कड़ी में आरटीओ ऑफिस से एक ग्रीन कार्ड जो कि मिलता है छोटी गाड़ी के ड्राइवर जो हैं या बड़ी गाड़ी के जो ड्राइवर हैं उसको लेकर ऑनलाइन भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ऑफलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे में अगर कल की हम बात करें तो कल 2 कार्ड यहाँ बनाए गए हैं। छोटी गाड़ी के लिए आपको 400 रुपये देने होंगे, बड़े वाहनों के लिए आपको 600 रुपये यहाँ पर सबमिट कराने होंगे। तो ये तैयारियाँ देखा जाए तो चारधाम यात्रा के लिए शुरू कर दी गई हैं। चारधाम यात्रा की अगर हम बात करें तो पिछले 1 महीने से ये तैयारियाँ शुरू कर ली गई थी, अब धीरे धीरे आखिरी पड़ाव पर ये तैयारियां आ रही हैं। हालांकि कई जगह पर कई दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है, जैसे कि अगर केदारनाथ धाम की हम बात करें तो केदारनाथ धाम में
भारी बर्फबारी की वजह से कुछ ऐसे काम हैं जो रुक रहे हैं। और सिकड़ी में आरटीओ ऑफिस से नया फरमान सामने आया। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए मेरे सहयोगी संजय शर्मा मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संजय, चारधाम यात्रा को लेकर तमाम तैयारियां यहां पर की जा रही हैं। एआरटीओ ऑफिस की तरफ से एक गाइडलाइंस जारी की गई है कि आपको जो गाड़ियां हैं उसके लिए एक ग्रीन कार्ड बनवाना होगा। क्या कुछ करना होगा, क्या सिर्फ ऑनलाइन बन सकते हैं कार्ड या ऑफलाइन भी जो गाड़ी के ड्राइवर हैं वो बनवा सकते हैं? बिल्कुल संजय, देखिए अगर चारधाम यात्रा की हम बात करें तो कितनी तैयारियां अब यहां पर हो गई हैं, सुविधाएं कितनी ज्यादा आम लोगों के लिए बढ़ाई जा रही हैं, क्योंकि अब जो है वो भारी संख्या में श्रद्धालु निकलने शुरू हो जाएंगे। हां जी, यहां पर जो है अभी जो यहां के गढ़वाल कमिश्नर थे उन्होंने मीटिंग ली थी, उस मीटिंग में उन्होंने साफ साफ बोल दिया था कि हमें सारा काम कंप्लीट कर चाहिए और किसी भी कंडीशन में किसी तरह की कोई शिकायत की गुंजाइश नहीं है। जो भी रोड मैप है उस पर हर तरह की सुविधाएं, एम्बुलेंस, टॉयलेट, चिकित्सा सुविधाएं या अन्य पीने का पानी जो है, ये सारी सुविधाएं उनको हर जगह चाहिए, हर स्टेशन पे चाहिए। और ड्रोन से भी वो अब पूरे रोड पर नजर रखने की बात कही है कि जो ड्रोन है वो अलग अलग जगह पे पूरे रोड पे नजर रखे हैं, कहीं रोड टूटी हो या किसी कोई दिक्कत में हो तो वहाँ तुरंत सहायता पहुँचाई जा सके। ठीक है, शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए संजय। तो ये तैयारियां जो है वो प्रशासन द्वारा लगातार की जा रही हैं, और जिन तस्वीरों को हम दिखा रहे हैं ये आरटीओ की तरफ से यहां पर फाइनल किया गया है कि आपको एक ग्रीन कार्ड बनवाना होगा। यात्रा में जो भी गाड़ियां इस्तेमाल होंगी 400 रुपये छोटी गाड़ी के लिए देने होंगे और बड़ी गाड़ी के लिए 600 रुपये आपको देने होंगे। वहीं आगे बढ़ते रुक करें कुछ और खबरों का। प्रोविजन स्टोर की आड़ में ऑनलाइन आईपीएल मैच का सट्टा लगाने वाले एक दुकानदार को एसओजी देहात की टीम ने पुलिस के सहयोग से दबोचा है। आरोपी के कब्जे से 2 मोबाइल और सट्टा लगाकर अर्जित की गई 27,000 रुपये की रकम भी बरामद कर ली गई है। आरोपी को पुलिस ने न्यायालय में पेश किया जहाँ कोर्ट ने उसे जेल भेज दिया है। आईपीएल सट्टे के संबंध में एसओजी कई दिनों से काम कर रही थी। कल उन्हें मुखबिर से सूचना मिली कि श्यामपुर क्षेत्र में चौहान प्रोविजन स्टोर का जो मालिक है वो अपने यहाँ इस प्रकार का सट्टा करा रहा है। इस सूचना पर मुखबिर को साथ लेकर के उनके द्वारा जब कार्रवाई की गई स्थानीय पुलिस एसओजी द्वारा, तो मौके से चौहान प्रोविजन स्टोर का मालिक सट्टा करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार हुआ, जो सनराइजर्स हैदराबाद और किंग्स इलेवन के बीच जो मैच था उसका सट्टा लगा रहा है। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध के दौरान जान बचाने के लिए ऋषिकेश की बेटी आरुषि काला ने किसी तरह यूक्रेन तो छोड़ दिया, मगर मॉस्को में वतन वापसी के लिए काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। सरकार की ओर से मदद नहीं मिलने पर ऋषिकेश के पूर्व पालिका अध्यक्ष दीप शर्मा की पहल पर उनके 5 व्यापारिक मित्रों ने आर्थिक सहयोग कर आरुषि को किसी तरह भारत पहुंचाया। ऋषिकेश पहुंचने पर उनके सम्मान में आयोजित कार्यक्रम के दौरान आयुषी ने अपनी आपबीती बताई तो जयराम आश्रम के परम अध्यक्ष ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मचारी भावुक दिखाई दिए। सिर्फ एक ही पिता की नहीं होती है, बेटी पूरे समाज की होती है। और जो काला बिटिया यूक्रेन में पढ़ने के लिए गई हुई थी, डॉक्टरी करने के लिए गई थी, 4 साल उसने वहाँ लगाए, युद्ध की वजह से वो वहाँ डिस्टर्ब हो गई थी, वापस आना चाहती थी। व्यवस्था उसके पास पैसे की नहीं थी, लेकिन दीप शर्मा जो हमारे जिस केस के चेयरमैन हैं उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर के उसको आर्थिक मदद भेजी और वह सैकुशल वापस हिंदुस्तान में आई। फादर जो है काला जी, उनका फोन आया आने का, कोई पैसा नहीं है, कुछ आदमी बोल रही, तो मैंने सोचा 5-10 हज़ार की हेल्प करनी होगी, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, कल से आ जाओ। अभी मैंने सवेरे आ गए
जब मैंने इनसे पूछा तो उनकी कहानी डिफर कहता कि कितना पैसा हम यहाँ से आसपास इकट्ठा करें, थोड़ा वो तस्वीर से इकट्ठा करते हैं, वहाँ भेजते हैं 5-7 हज़ार पर डे खर्चा, वो पैसा हमें इकट्ठा नहीं हो पाता ऐसे टिकट आ, फिर मुझे लगा कि 5-10 हज़ार से भेज दिया जाएगा, फिर पैसे भी ऐसे खर्च रहेगा, पैसे करता रहेगा और लड़की फंसी रहेगी, आ नहीं पाएगी, इस हिसाब से वो सक्षम नहीं हो पाती है। तो फिर हमने जो इनमें लोग हैं शेयर से उनसे मैंने जो और रुद्रपुर में 22 मार्च को नानकमत्ता में हुए राजनीतिक दबाव के चलते दर्ज मुकदमों को वापस करने की मांग को लेकर संयुक्त किसान और मजदूर संगठन के बैनर तले किसानों और मजदूरों ने डीएम कार्यालय पर प्रदर्शन किया और राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन डीएम कार्यालय में जमा करवाया। उन्होंने आगाह किया है कि अगर उनकी मांगों पर ठोस कदम नहीं उठाए गए तो 26 अप्रैल को होने वाली महापंचायत में आंदोलन की रणनीति बनाई जाएगी। वापस लो वापस लो वापस लो, गुरुसेवक सिंह जी पर लगाए गए झूठे मुकदमे वापस लो वापस लो वापस लो, किसान नेता गुरुसेवक पर लगाए गए झूठे मुकदमे वापस लो वापस लो वापस लो, किसानों की एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, किसानों की एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, झूठे मुकदमे नहीं चलेंगे नहीं चलेंगे नहीं चलेंगे, झूठे मुकदमे वापस लेने होंगे लेने होंगे लेने होंगे, मुकदमे वापस लेने होंगे लेने होंगे लेने। देखिए गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी नानकमत्ता साहब का जब चुनाव था उस समय कुछ वोटों को कैंसिल किया गया ऐन वक्त पर, उसको लेकर भारतीय किसान यूनियन चुड़ूनी के प्रदेश अध्यक्ष गुरुसेवक सिंह महार ने उसका विरोध किया और आपत्ति देने का प्रयास किया वहाँ पर रिसीव कराने का, तो प्रशासन ने वो आपत्ति रिसीव नहीं करी, उसके विरोध उसका उन्होंने विरोध किया और उसी को लेकर लगभग एक महीने बाद सरकार ने दबाव में पुलिस ने जो है उनके ऊपर मुकदमा लिखा, उसके विरोध में आज तमाम मजदूर और किसान संगठन यहाँ पर पहुँचे हैं। मिर्जापुर पोल में दिल्ली यमुनोत्री हाईवे किनारे एक स्पेयर पार्ट व्यापारी हाजी मुशरफर अली की दुकान में भीषण आग लग गई। आग इतनी भयंकर थी कि मकान के अंदर फंसे परिवार को लोगों को बमुश्किल बाहर निकाला गया। सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। रुद्रप्रयाग के जंगल इन दिनों भीषण आग के चपेट में है, जगह जगह जंगल आग से धधक रहे हैं, वन विभाग भी आग को बुझाने में असफल साबित हो रहा है। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ फॉर इंडिया के साथ।